हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप जब भी देखते हो तो यहाँ पे देखते हो कि एक फिजिक्स का टॉपिक लिखा होता है और सर जो है पढ़ाई शुरू कर देता है। हम लोग को मीन्स आप लोगों को पढ़ाते रहता हूँ, तो आज मैं सोचा कि आपसे थोड़ा बात करता हूँ कि आपको फिजिक्स कैसे पढ़ना है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने कुछ चीज़ लिखा है, आप देखिए एक बार। तो सबसे पहले मैंने लिखा है इंटरेस्ट, देन रीड, विजुअलाइज, लर्न, राइट, रिवाइज, देन टिल गोज टू परमानेंट मेमोरी। तो यहाँ से आपको कुछ समझ में आया होगा क्या है। सबसे पहला चीज है इंटरेस्ट, मीन्स अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट रहना पड़ेगा, मीन्स आपके अंदर पे इनर इंटरेस्ट रहना पड़ेगा, मीन्स आप अंदर से मीन्स जोश पे रहना पड़ेगा कि मुझे फिजिक्स पढ़ना है। दूसरा चीज आपका पढ़ना है, अगर आपको इंटरेस्ट होता है, मीन्स आपको अगर दिल करता है फिजिक्स पढ़ने का, तभी आपको पढ़ना है, अदरवाइज नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, आपको कुछ फायदा होने वाला नहीं है। दूसरा चीज है आपका पढ़ना है, उसके बाद है विजुअलाइज, मीन्स आप भी जब भी कोई चीज को पढ़ेंगे फिजिक्स में, आप उस चीज को विजुअलाइज कीजिए। विजुअलाइज का मतलब क्या है, जैसे बोलते हैं हम लोग एक चार्ज है, तो उसके स्पेस में क्या होता है, स्पेस में फील्ड होता है। तो अगर आप उस चीज को विजुअलाइज ही नहीं कर पाएंगे, आप उस चीज को फील नहीं कर पाएंगे, तो आपको नहीं होगा, मीन्स यू हैव टू विजुअलाइज इट। आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, कोई भी इंफॉर्मेशन देख रहे हो फिजिक्स में, तो उसको सबसे पहला चीज होता है आप उसको विजुअलाइज कीजिए। अगर आपको विजुअलाइज हो गया तो आपका वो दिमाग में, दिल और दिमाग दोनों जगह पे वो बैठ जाएगा, बैठेगा तो आपका दिमाग में वो रहेगा। अगर आपका विजुअलाइजेशन पार्ट सही हुआ तो आपका लर्न होगा, मीन्स अगर आपने सही तरीके से उस चीज को विजुअलाइज कर लिया तो आपको वो लर्निंग होगा, फिजिक्स आपको लर्न हो जाएगा। अगर आपको लर्न हो जाता है देन यू राइट इट, आपने आपके अंदर इंटरेस्ट था, आपने फिजिक्स पढ़ा, उसको अच्छी तरीके से विजुअलाइज किया, समझा, लर्न किया, फिर उसको लिखिए। लिखने से क्या होता है, ये आपका एक एश्योरिटी देता है कि आपने पढ़ा और सीखा बोल रहे, तो इसलिए आपको लिखना बहुत जरूरी होता है। एंड देन रिवाइज, आपने एक बार लिख पढ़ लिया, पूरा स्टेप फॉलो कर लिया, आपने रिवाइज कर लिया, मीन्स आपने लिख लिया, अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो आप धीरे धीरे भूल जाएंगे। मान लीजिए आज आप कोई चीज को समझे हो, मीन्स वो आप आज 100% समझे हो, अगर आप उसको 2 या 3 दिन, मीन्स मान लीजिए 2 दिन अगर रिवाइज नहीं करते हो तो वो 90% तक पहुंच जाएगा। अगर 1 हफ्ता रिवाइज नहीं करते हो वो 50% तक पहुंच जाएगा। और मान लीजिए अगर आपने 15 दिन रिवाइज नहीं किया, इट विल बिकम 0%, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। देन अगर आप बार बार उसको रिवाइज मारते हो तो वो धीरे धीरे आपका कहाँ पर पहुंच जाएगा, परमानेंट मेमोरी पे। अगर आपका कोई भी इंफॉर्मेशन परमानेंट मेमोरी में पहुंच जाता है तो फिर आप उसको नहीं भूलोगे। तो ये है स्टेप्स, आप उसको फॉलो करना। ना एक क्वेश्चन आता है, मीन्स जब भी मेरे स्टूडेंट्स आते हैं तो स्टूडेंट्स हमेशा बोलते हैं, सर हम लोग तो कोई भी एक इन्फॉर्मेशन है, हम लोग मीन्स कोई एक डेराइवेशन है, एज फॉर एग्जाम्पल कोई डेराइवेशन है, तो उस डेराइवेशन को मैंने 4 बार करके गया सर, फिर एग्जाम में जाके भूल गए हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स का साइकिल क्या होता है, स्टूडेंट्स का साइकिल यहाँ पे होता है, उनका जब भी मजबूरी होता है, मान लो एग्जाम है या फिर कोई टीचर फोर्स कर रहा है, कुछ भी मजबूरी है तो मजबूरी में पढ़ते, या पेरेंट्स हो या फिर टीचर हो या फिर एग्जाम आ गया हो, कोई भी मजबूरी भी है तो वो लोग पढ़ते हैं, पढ़ लिए लिख लिए, मीन्स उनको पता है कि फिजिक्स को प्रैक्टिस करना पड़ता है, डेराइवेशन प्रैक्टिस नहीं करने से याद नहीं रहता है, तो पढ़ लेते और लिख लेते, फिर एक बार पढ़ लिए, 2 बार पढ़ लिए, पढ़ के लिख लिए, और उसके बाद सोच लिया कि हो गया। फिर एग्जाम में जाते जाते अराउंड, अभी तो शुरू हुए फिजिक्स का, अभी कुछ शुरू ही नहीं हुआ, कहीं भी डेराइवेशन नहीं हुआ फिजिक्स में, अभी तक डेराइवेशन शुरू होगा तो कम से कम 150 200 300 डेराइवेशन से, वो डेराइवेशन पर जब आता है तो फिर आपका दिमाग का धीरे 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 खिचड़ी बनता है। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ से ये साइकिल को ही मेंटेन करते रहते हैं, तो जिससे धीरे 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 फिजिक्स उनका चला जाता है, इधर पढ़ते उधर जाते, उधर पढ़ते उधर जाते, इधर पढ़ते उधर जाते, नहीं तो इसका डेरिवेशन उसमें लिखते, उसका डेरिवेशन इसमें लिखते हैं। चलो ये आपके साथ कुछ फिजिक्स के बारे में बात कर ली है ना, अभी आप लोगों से पर्सनली मेरा कुछ बात है। आप लोग बेसिकली क्या हो, एक कंजूस हो, क्यों कंजूस हो, मीन्स मान लीजिए आपने FB में कोई एक छोटा सा पोस्ट देखा, मीन्स किसी एक फ्रेंड ने कोई कहीं से एक फोटो लिया और उसको पोस्ट कर दिया, आप जैसे ही उसको देखते हो, देखते ही मैं देखता हूँ नीचे मीन्स 1000 2000 ऑफ कमेंट्स है, और आप इतना बड़ा बड़ा कमेंट्स देखते हो, उतना आपके पास टाइम है। लेकिन जैसे मैं हूँ, मैं एक टीचर हूँ, आपके लिए 40 45 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, जैसे मेरा पहला वीडियो है उसमें अराउंड नियरली 780 व्यूज है, लेकिन उसमें कॉमेंट्स बिल्कुल नहीं है, उसमें कमेंट्स है हार्डली 10 कमेंट्स है, और उस 10 कमेंट्स में भी एक मेरा बीवी का है और एक मेरा भाई का है। मीन्स इससे आपको ये पता चलता है कि आप लोग मीन्स कोई भी चीज़ अगर पढ़ते हो, एक टीचर है आपके लिए 40 मिनट के लिए वीडियो बनाता है, मेहनत करता है, फिर उसको अपलोड करता है, आप उसको देखते हो,
कम से कम नीचे तो कमेंट करो, लाइक तो करो, जरूरत पड़ा मिस किसी अगर आपका जरूरतमंद फ्रेंड है उसको शेयर तो करो। तो आई होप आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, करेंगे। अगर आप कमेंट्स करते हो, कुछ भी बोलते हो, कोई भी सजेशन होता है, मान लीजिए मेरे से कुछ गलती होता है, कुछ भी है, व्हाट एवर इट इज, अगर आप सजेशन देंगे तो उसको इम्प्रूव करने का मौका मेरा पास भी रहेगा ना। सो ट्राई टू डू दैट। ओके चलो आज का क्लास करते हैं। आज का जो हमारा क्लास है, बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वी आर गोइंग टू स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, उससे पहले हम लोग थोड़ा फील्ड के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो हम सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इट इज द स्पेस सराउंडिंग ए चार्ज। कोई भी अगर एक चार्ज है, उसके सराउंडिंग में जो स्पेस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इट इज द स्पेस सराउंडिंग ए चार्ज। इट इज द स्पेस सराउंडिंग ए चार्ज अप टू व्हिच द इफेक्ट ऑफ दैट चार्ज कैन बी फेल्ट। नाउ उसके रिलेटेड हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। व्हाट इज एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? व्हेन वी से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग, इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ पॉइंट चार्ज। इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ पॉइंट चार्ज। हमें ये भी पता है, वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड, वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस सराउंडिंग ए चार्ज। किसी एक चार्ज है, उसके सराउंडिंग में जो स्पेस है, जिस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का इंफ्लुएंस को फील कर सकते हैं, उस स्पेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कहीं पे अगर हम एक पॉइंट चार्ज को रखते हैं, उसके ऊपर जो फोर्स लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज, दैट इज एफ बाय मींस फोर्स पर यूनिट चार्ज। व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट? वो भी हम लोगों ने पढ़ा है। द एसआई यूनिट इज फोर्स इज न्यूटन, चार्ज इज कूलम्ब, सो इट इज न्यूटन पर कूलम्ब। नाउ कैन यू फाइंड द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? फाइंड द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन निकालना है, देन यू हैव टू राइट द डायमेंशन ऑफ फोर्स हियर। और यहाँ पे आपका क्या आएगा? डायमेंशन ऑफ चार्ज, दैट इज क्यू। सो व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज मास इन एक्सेलरेशन। आप सबको पता है व्हाट इज एफ? फोर्स, फोर्स इज मास इन एक्सेलरेशन। व्हाट इज मास? इट इज केजी, एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो सबको पता है द डायमेंशन आर एम, केजी स्टैंड्स फॉर मास, मीटर स्टैंड्स फॉर लेंथ, सेकंड स्टैंड्स फॉर टाइम, सो टी इनवर्स, टी पावर माइनस टू। सो एम एल टी पावर माइनस टू। व्हाट इज चार्ज? क्यू। We know electric current. Electric current is I is equal to Q by T. What is Q? It is I into T. So if you want to write the dimension of charge, then what will be the dimension of charge? Electric current. It is ampere. T is time. So it is AT. So the dimensional formula is AT. So what will be the actual dimension of electric field? The actual dimension of electric field is M L T power minus 3 A inverse. So this is the dimensional formula for electric field. So you know about this electric field, electric field intensity, the SI unit, the dimensional formula for electric field. Now एक चीज है, मान लीजिए मैं आपको कोई भी एक टॉपिक पढ़ाता हूँ, जैसे यहां तक पढ़ा है, इस इतना तक पढ़ने के बाद आप उसको पोज कीजिए, पोज कीजिए, उस चीज को लर्न कीजिए, उसको पढ़िए, पढ़ के उसको समझिए, विजुअलाइज कीजिए, समझिए, उसको लर्न कीजिए, फिर आगे मूव कीजिए। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता है कि एक बार मैं फिजिक्स पढ़ लिया और पूरा समझ लिया। मैं इतना मीन्स मैं अब तक कम से कम 100 लेक्चर तो दे चुका हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड पे, मीन्स क्लासेस पे। लेकिन अभी तक मान लीजिए मुझे अभी यहाँ पे क्लास देना है, तो उससे पहले मैं एक बार देख के आता हूँ कि मुझे अभी यहाँ पे खड़ा होना है तो बोलना क्या है यहाँ पे। हाँ, ऐसा नहीं है कि मुझे सब आता है, जितना आता है उतना को भी यहाँ पे प्रेजेंट करना कैसे, उसको पढ़ के फिर आता हूँ, फिर प्रेजेंट करता हूँ। तो इसीलिए आप प्रिपरेशन लीजिए, आप जब भी वीडियो देखते हो एक बार में पूरा नहीं देखना, थोड़ा जाना, पोज लेना, पोज लेके उसको समझना। आपके पास एक नोट्स में से पेपर लीजिए, पेन लीजिए, उसको लिखिए, समझिए, फिर आगे मूव कीजिए, फिर देखिए, विजुअलाइज कीजिए, समझिए, फिर बढ़िए, ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहिए, आपको हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड।
Now we know what is the magnitude of electric field. The magnitude of electric field is given as 1 by 4 pi epsilon naught. The charge divided by square of distance, that is r square. That is, if we have a charge, that charge has magnitude q, then electric field is given as 1 by 4 pi epsilon naught q divided by r square. So if you write the magnitude of electric field, then magnitude of electric field is inversely proportional to square of distance. That is, the magnitude of electric field is inversely proportional to the square of distance from the point charge. So the magnitude of electric field, यहाँ पे लिख लीजिए at any point. The magnitude of electric field at any point is inversely proportional to the square of distance from the point charge. Means point charge कोई भी एक charge है, उससे हम जितना दूरी पे जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ पे जाने के बाद इस point पे electric field जो होगा, उसका जो intensity होगा, उसका magnitude कितना होगा? उसका जो magnitude होगा, वो magnitude E का जो मैग्नीट्यूड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है. तो ऐसे हमने फोर्स का भी डेफिनेशन देखा है. तो अगर हम लोग बोलते हैं इफ द डिस्टेंस डिक्रीजेस, अगर आपका डिस्टेंस डिक्रीज होता है, देन व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर चार्ज के पास आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, और चार्ज से अगर दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? घटेगा, मींस डिक्रीज होगा. नाउ इफ यू ड्रॉ ए कर्व बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस, सो वी आर कंसीडरिंग हियर इलेक्ट्रिक फील्ड, वी आर कंसीडरिंग हियर डिस्टेंस. नाउ इफ यू ड्रॉ ए कर्व, व्हाट विल बी द कर्व शेप ऑफ द कर्व? इट विल बी समवॉट लाइक दिस. नाउ इफ यू सी this curve is continuously decreasing. Now if we consider that if r tends to infinity, agar aapka ye jo distance hai ye agar infinity tak pahunch gaya, then what will be the magnitude of e? E tends to zero. Means agar aap charge se duri banate jayenge, aisa ek samay aayega jahan pe jane ke baad, means agar aapka distance infinite ho gaya, to fir electric field kya ho jayega? Zero ho jayega. To iska matlab charge ke paas aane se इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी बढ़ता है, चार्ज से दूर जाने से इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी डिक्रीज होता है. तो यहां तक था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट. अब हम मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे. व्हाट एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज? Electric field lines. So actually, the picture of electric field line was invented by the famous scientist Faraday to develop intuitive non-mathematical way of representing electric field around charge configuration. क्या इंग्लिश है ना, इंफॉर्मेशन है. So, what is electric field line? The picture of electric field line was invented by Faraday. Means, हम जो electric field के बारे में पढ़ते हैं, उसका जो picture है, उसको हम लोग जो समझते हैं, उसका जो picture है, it was actually invented by Faraday. इसको किसने invent किया है? Faraday ने invent किया है. To develop, किस लिए?
डेवलप इंट्यूटिव। इंट्यूटिव का मतलब क्या है? इसका कोई मैथमेटिकल या फिर कोई एनालिटिकल मीन्स ऐसा नहीं है कि इसका कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला है या फिर कोई डाटा है जहाँ से उन्होंने डिस्कवर किया है। इंट्यूशन है मीन्स हम उसको समझते हैं और ऐसे ही है। इंट्यूटिव नॉन मैथमेटिकल मीन्स यहाँ पे कोई मैथमेटिक्स नहीं है। वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग मीन्स हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे ही। इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए चार्ज कंफिगरेशन, इसका मतलब किसी भी चार्ज के आसपास में, किसी भी चार्ज के आसपास में या फिर कंफिगरेशन के आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, किसी भी चार्ज के कंफिगरेशन के आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए नॉन मैथमेटिकल इंट्यूटिव जो प्रोसेस है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ए वे ऑफ पिक्चोरियली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ए वे ऑफ पिक्चोरियली पिक्चोरियली मैपिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग ए कॉन्फिगरेशन ऑफ चार्ज। सो व्हाट इज एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ए वे ऑफ पिक्चोरियली मीन्स वी आर रिप्रेजेंटिंग इट पिक्चोरियली, ओनली पिक्चर के साथ ही हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ए वे ऑफ पिक्चोरियली मैपिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग ए कंफिगुरेशन ऑफ चार्ज मीन्स किसी भी एक चार्ज का जो कंफिगुरेशन है, मीन्स किसी भी एक चार्ज है, कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी एक नेगेटिव चार्ज है, दो पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, या फिर दो नेगेटिव है, ये कंफिगुरेशन ऑफ चार्ज हो गया। उस कंफिगुरेशन के आसपास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्चोरियली रिप्रेजेंट करने के लिए जो मेथड है मीन्स जो मीन्स पिक्चोरियली रिप्रेजेंट करने के लिए जो मेथड है उसी से ही हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलता है। और एक इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द कर्व्स इन थ्री डायमेंशन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द कर्व्स इन थ्री डायमेंशन, तो ये चीज आप दिमाग में हमेशा रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द कर्व्स इन थ्री डायमेंशन मीन्स हम जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो हम मैं अभी यहाँ पे आपको कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ, आप भी ड्रॉ करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब भी ड्रॉ करेंगे तो एक कर्व है और ये जो कर्व है वो का क्या है? थ्री डायमेंशन पे एग्जिस्ट करता है। सो इसीलिए हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर द कर्व्स इन थ्री डायमेंशन मीन्स हम लोग जब भी इसको रिप्रेजेंट करेंगे टू डायमेंशन एंड प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे, बट प्रैक्टिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? ये थ्री डायमेंशन पे एग्जिस्ट करता है। तो वी आर गोइंग टू डू इट पिक्चोरियली मीन्स पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? रिप्रेजेंटेशन सपोज वी हैव ए पॉइंट चार्ज, हमारे पास कोई एक पॉइंट चार्ज है, ये एक पॉइंट चार्ज है ना। यहाँ पे एक चीज है, आप जब भी ड्रॉ करते हो आप वो मीन्स नोट्स में ड्रॉ करते हो तो पॉइंट चार्ज इतना बड़ा करके ड्रॉ नहीं करना है। पॉइंट चार्ज है, ए पॉइंट चार्ज हैज प्रैक्टिकली नो साइज एंड नो शेप, तो इसका मतलब इतना बड़ा करके ड्रॉ नहीं करना, इट्स जस्ट अ पॉइंट, इट्स जस्ट अ पॉइंट। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्जाम में जब ड्रॉ करते हैं या फिर कॉपी में ड्रॉ करते हैं तो इतना बड़ा करके इतना बड़ा चार्ज ड्रॉ करके प्लास के लिए ऐसा नहीं करना है। इट इज जस्ट ए पॉइंट चार्ज, सो आई एम रिप्रेजेंटिंग ए पॉइंट चार्ज, यहाँ पे कोई एक पॉइंट चार्ज है।
इस पॉइंट चार्ज की वजह से, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इसके आसपास में कुछ पॉइंट्स कंसीडर कर रहा हूं। यहां पे कुछ मेरे पॉइंट्स है। नाउ इन पॉइंट्स पे मान लीजिए इस पॉइंट पे मैं अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखता हूं दैट इज क्यू नॉट है, तो ये मेरा सोर्स चार्ज हो गया। ये जो मेरा प्लस की वैल्यू क्या है, सोर्स चार्ज है, दिस इज अ सोर्स चार्ज, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, दिस इज सोर्स चार्ज। और ये जो मेरा क्यू नॉट है, ये मेरा क्या है, टेस्ट चार्ज है। तो ये जो मेरा सोर्स चार्ज है, ये इस क्यू नॉट को क्या करेगा, रिपल करेगा। सो इट विल रिपल इन व्हिच डायरेक्शन, दिस विल बी द डायरेक्शन इन व्हिच इट विल बी रिपल। सिमिलरली इस पॉइंट पे मैं अगर कोई एक पॉइंट चार्ज को रखता हूं तो उसको भी क्या करेगा, सोर्स चार्ज रिपल करेगा इस डायरेक्शन में। यहां पे अगर मैं कोई पॉइंट चार्ज को रखता हूं तो इसको भी क्या करेगा, रिपल करेगा इस डायरेक्शन में। यहां पे अगर मैं एक पॉइंट चार्ज को रखता हूं तो इसको भी क्या करेगा, रिपल करेगा। कौन सा डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रिपल करेगा। नाउ अगर मैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट चार्ज को रखता हूं तो उसको क्या करेगा, इस डायरेक्शन में रिपल करेगा। यहाँ पे अगर कोई पॉइंट चार्ज को रखता हो तो इसको क्या करेगा, इस डायरेक्शन में रिपल करेगा। यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज को रखता हो तो इसको इस डायरेक्शन में रिपल करेगा, इस डायरेक्शन में रिपल करेगा। यहाँ पे अगर कोई पॉइंट चार्ज को रखते हैं तो इसको क्या करेगा, इस डायरेक्शन में रिपल करेगा। मैं एक चीज आप याद रखना, मैं सब जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे ड्रॉ करेंगे तो ये मान लीजिए मेरा पॉइंट चार्ज है, ये मान लीजिए ये पॉइंट चार्ज है, तो इसका सेंटर कहाँ पे, यहाँ पे। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा होना चाहिए, मीन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा होना चाहिए कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा होना चाहिए कि ये इधर से गया है, मीन इसका मतलब ये रेडियस से गया है। सो इसके एक बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फ्रॉम ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर रेडियली आउटवर्ड, ऐसा लगता है कि ये रेडियस से गुजरा है। तो इसका मतलब ऐसे 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 ड्रॉ करना है, रिमेंबर दिस। Now if I consider one more charge here, suppose मान लीजिए यहाँ पे और sorry, यहाँ पे मैं अभी कुछ points consider करता हूँ, यहाँ पे एक point, यहाँ पे एक point, यहाँ पे एक point। Similarly अगर मैं यहाँ पे points consider करता हूँ, these are the points। Now यहाँ से अगर मैं move करता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं point charge को रखता हूँ, मान लीजिए Q not, तो ये पॉइंट चार्ज, पहले पॉइंट चार्ज मैंने कहाँ पे रखा था, यहाँ पे, ये चार्ज से बिल्कुल पास था, तो इसका मतलब फोर्स ज्यादा लगा, इसीलिए ये मैंने एरो ड्रॉ किया। अभी मैं पॉइंट चार्ज को यहाँ पे रखा है, तो चार्ज से ये दूरी क्या हो गई, ज्यादा हो गया। चार्ज से दूरी ज्यादा होने से क्या होता है, फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो कम होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम होगा। अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम होता है तो आप इस वेक्टर को कुछ इस तरह रिप्रेजेंट कीजिए कि ये जो वेक्टर का लेंथ है वो लेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करे। यहाँ पे रखने से इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसलिए वेक्टर का लेंथ ज्यादा है। यहाँ पे रखने से फील्ड का स्ट्रेंथ कम है, तो इसका मतलब वेक्टर का लेंथ कम हो गया। तो सिमिलरली मैं अगर यहाँ पे रखता हूँ तो इधर जाएगा, यहाँ पे रखता हूँ इधर जाएगा, टेढ़ा नहीं करना, मेरा वाला टेढ़ा हो रहा है। लेंथ सेम हो गया, यहाँ पे रखता हूँ ना। अगर मैं पॉइंट चार्जेस को अभी यहाँ पे मूव करता हूँ तो अभी क्या हो रहा है, पॉइंट चार्ज से और दूरी चला गया, तो जितना हम दूर जाएंगे उतना फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे रखने से कम होगा, तो जितना हम चार्ज से दूर जाएंगे उतना क्या होगा, कम होगा। आई होप आपको समझ में आया। सबसे पहले हमने पॉइंट चार्ज कंसीडर किया, उसके पास में ये जो पॉइंट है यहाँ पे हमने एज्यूम किया कि वहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज वी आर रिप्रेजेंटिंग एज क्यू नॉट, तो ये क्या करेगा, फोर्स देगा। तो इतना फोर्स दिया, मीन्स फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो फील्ड का स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। उसके बाद यहाँ पे रखने से क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे रखने से और कम होगा, और रखने से और कम होगा। इसका मतलब ये पॉइंट चार्ज से शुरू होगा और ये इन्फिनिटी पे आते आते क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। व्हेन इट कम्स एट इन्फिनिटी इट विल वैनिश, इलेक्ट्रिकल का इंटेंसिटी वैनिश हो जाएगा। तो एक चीज आपने यहाँ पे देखा है। नाउ इफ वी जॉइन द कर्व्स, इफ वी जॉइन द एरोस पॉइंटिंग इन वन डायरेक्शन, join the arrows pointing in one direction, the resulting figure
रिप्रेजेंट्स ए फील्ड लाइन। मैंने यहां पे क्या लिखा, जॉइन द एरोस पॉइंटिंग इन वन डायरेक्शन, द रिजल्टिंग फिगर रिप्रेजेंट्स ए फील्ड लाइन। इसका मतलब ये जो एरोस है ये एक डायरेक्शन में जितने भी एरोस हैं, तो अगर हम लोग ज्वाइन कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक फील्ड लाइन मिलेगा। तो जैसे यहां से अगर हम लोग ऐसे एरोस को मान लीजिए, यहाँ पे एक एरो था, यहाँ पे एक एरो है, यहाँ पे एक एरो है, यहाँ पे एरो है, एरो है, इसको ज्वाइन कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिलेगा। तो जो एरोस एक ही डायरेक्शन में है उसको हम ज्वाइन करने से हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिलता है। ना मान लीजिए मेरा कोई पॉइंट चार्ज है, इसके आस पास में ऐसे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा। सो द आंसर इज There are infinite field lines surrounding a configuration of charge. तो किसी एक चार्ज के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगा, इनफाइनाइट। कभी भी ये दिमाग में नहीं लाना मीन फील्ड का इंटेंसिटी इतना होता है, फील्ड लाइन्स उतना होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी कंफिगुरेशन ऑफ चार्ज है उसके आसपास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, मींस यू कैन नॉट काउंट इट। सो ये था हमारा पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक्चुअली कॉन्सेप्ट आया कहां से। Now we'll represent electric field lines due to some simple configuration of charges. तो ये आपके एग्जाम में आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सम सिंपल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस। कुछ सिंपल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस के लिए हम लोग ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले फॉर ए पॉइंट चार्ज इन ब्रैकेट पॉजिटिव, तो हम एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, ये छोटा करके इसे रिप्रेजेंट करना, ये पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। और हमें पता है इसके आसपास में अगर हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं तो उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, रिपल करता है। कौन सा डायरेक्शन में रिपल करता है, इस डायरेक्शन में। सो वी कैन नाउ रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज एस तो यहाँ पे क्या लग रहा है, मीन्स हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। ये जो एरो है, ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस एरोज आर इंडिकेटिंग द डायरेक्शन इन विच यूनिट पॉजिटिव चार्जेस आर रिपेल्ड। सो व्हाट इज दिस एरो, दिस एरो एक्चुअली रिप्रेजेंट, एरो रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन in which unit positive charges are repelled. Arrows represents the direction in which unit positive charges are repelled. Means ये जो arrows है, ये सारे arrow क्या बताता है, सारे arrow बताता है कि कौन सा direction में unit positive charge को repel कर रहा है, वही आपका electric field line का direction है। Now for a positive point charge, the electric field lines are radially outward starts from point charge and end at इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड्स, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितने भी है वो सारे ऐसा लग रहा है कि किधर से गया है, रेडियस से गुजरा है, तो ये रेडियली आउटवर्ड है। स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज से शुरू हुआ है,
स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट चार्ज एंड एंड एट इन्फिनिटी, और खत्म कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे जाके खत्म होगा, मीन्स ये इनफाइनाइट डिस्टेंस दूरी पे जाने के बाद खत्म होगा। मीन्स हमने पहले ही देखा है एज आर टेंड्स टू इन्फिनिटी, आपका जब डिस्टेंस इनफाइनाइट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी जीरो हो जाता है, तो पॉइंट चार्ज से पास में होने से फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, दूर जाने से कम होता है। सिमिलर इज द केस विद नेगेटिव पॉइंट चार्ज। अगर हम लोग बोलते हैं हमारे पास कोई एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, उस नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए क्या होगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, अब एक बार सोचिए क्या होगा, डायरेक्शन कैसा होगा। मान लीजिए मैं अगर यहाँ पे कोई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर रखता हूँ, तो ये मेरा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए क्यों, ये पॉजिटिव है, ये मेरा सोर्स चार्ज है, तो सोर्स चार्जेस आर अनडिस्टर्ब, मीन्स इसको तो ये तो हिलेगा नहीं, ये क्या करेगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा इन दिस डायरेक्शन, सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज इनवर्ड। तो नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इनवर्ड, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर आउटवर्ड। So at each and every point, the electric field line due to a negative point charge is always inward, radially inward. Negative point charges के लिए electric field line हमेशा radially inward होगा, और positive point charge के लिए electric field line हमेशा radially outward होगा। तो आप यहाँ पे इस sentence को change कर सकते हैं, the electric field lines are radially outward के जगह पे क्या हो जाएगा, radially inward, starts from point charge and end at infinity. So, लिख ही देता हूँ, field lines are radially inward. So the electric field line due to a negative point charges radially inward starts at infinity. तो electric field line कहाँ से शुरू होता है, negative charge के लिए, infinity पे शुरू होता है, and ends at point charge. So negative point charge के लिए electric field line जो है infinity से शुरू होता है और point charge पे आके क्या होता है, खत्म होता है। तो positive point charge के लिए outward है, negative point charge के लिए inward है, right? एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए हो गया, एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए हो गया। अब हम थर्ड कंफिगरेशन कंसीडर करते हैं फॉर टू सिमिलर चार्जेस। सो वी आर कंसीडरिंग बोथ आर पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव के लिए भी हो सकता है, सो वी आर कंसीडरिंग बोथ आर पॉजिटिव। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज कंसीडर करता हूँ, और यहाँ पे मेरा और एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में कैसा होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखूंगा, तो ये इसको क्या करेगा, पुश करेगा इस डायरेक्शन में, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो ये क्या करेगा, पुश करेगा, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। नाउ ये जो जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये जो चार्ज है इसके सराउंडिंग में क्या होगा, मान लीजिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप ड्रॉ नहीं करना, इसके सराउंडिंग में क्या होगा, एक स्पेस होगा, मान लीजिए ये एक स्पेस है जहाँ तक इसका फील्ड है। सिमिलरली ये जो चार्ज है इसके सराउंडिंग में क्या होगा, एक स्पेस होगा जहां तक इसका फील्ड है, इसका एक फील्ड है और इसका भी एक फील्ड है, तो ये बीच में क्या हो रहा है, ये जो रीजन है यहाँ पे इसका और इसका फील्ड का क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, ये उसका फील्ड को क्या करेगा, पुश करेगा, बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव देयर विल बी रिपल, ये उसका फील्ड को पुश करेगा और ये इसका फील्ड को क्या करेगा, पुश करेगा, सो देयर विल बी रिपल्शन बिटवीन दिस। तो इसलिए आपका फील्ड लाइन कैसा होगा, इसका जो है मान लीजिए यहाँ से फील्ड लाइन अगर निकलता तो कैसे जाता है, ऐसे जाता, लेकिन अभी ये ऐसे नहीं जाएगा, ये इसको रिपल कर रहा है, तो इसका डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, ऐसा टेढ़ा हो जाएगा, सो द फील्ड लाइन, ये इसका फील्ड जो है इसका फील्ड लाइन को क्या कर देगा, पुश कर देगा, तो ये टेढ़ा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा टेढ़ा, तो इसका फील्ड लाइन क्या हो जाएगा, ऐसा टेढ़ा हो जाएगा, सो यहाँ से अगर कोई फील्ड लाइन को करेंगे तो ऐसा होगा। तो ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। तो इससे देख के क्या पता चलता है, ये चार्ज जो है इसका फील्ड की वजह से ये जो फील्ड लाइन है इसको ऐसा पुश करके ऐसा रिपल कर रहा है। सिमिलर इसके लिए भी ऐसे ही होगा, इसका जो फील्ड लाइन है इस तरह खड़ा हो जाएगा।
इन्वॉल्व हो गया। तो ये हो गया दोनों पॉइंट चार्ज, दोनों पॉजिटिव चार्जेस के लिए। अगर दोनों नेगेटिव होगा तो क्या होगा, सेम फिगर होगा, जस्ट ये जो एरोज है ये बदल जाएगा। अभी क्या है, बाहर की तरफ जा रहा है तब क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ। ये बाहर की तरफ जा रहा है तब क्या हो जाएगा, अंदर। फिगर विल रिमेन सेम। लेट बी कंसीडर टू डिसिमिलर चार्जेस मींस एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, टू पॉइंट चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, वी कॉल इट एज इलेक्ट्रिक डायपोल। आगे हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग बोल सकते हैं फॉर एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो दो चार्जेस अगर उनका मैग्नीट्यूड बराबर है और पोलारिटी अलग है उनको हम लोग डायपोल बोलते हैं। तो एक डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होगा ना, अगर हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट चार्ज है, ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, और यहाँ पे मेरा एक नेगेटिव चार्ज है, ये मेरा नेगेटिव पॉइंट चार्ज है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के पास में अगर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो इसको क्या करेगा, इसे रिपेल करेगा। यहाँ पे रखेंगे तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। यहाँ पे रखेंगे तो क्या करेगा, वो नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे रखेंगे तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब आपका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव से शुरू होगा नेगेटिव पे खत्म। सिमिलरली यहाँ से जो फील्ड लाइन निकलेगा इंटरेक्शन की वजह से इसका पिक्चर कैसा हो जाएगा, ऐसा। यहाँ से जो फील्ड लाइन्स निकलेगा इसका नीचे रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो जाएगा, यहाँ से एक फील्ड लाइन निकलेगा तो ये इस तरह हो जाएगा, एक सुंदर सा फिगर बनेगा। सिमिलरली यहाँ से जो फील्ड लाइन निकलेगा ऐसा होगा, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ये सारे क्या होगा, बाहर की तरफ डायरेक्शन होगा। और नेगेटिव पॉइंट चार्ज है तो सारे क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, दैट मींस इनवर्ड, अंदर की तरफ, और पॉजिटिव के लिए बाहर की तरफ। सो दिस इज फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और ये दोनों अगर दोनों पॉजिटिव है तो ऐसा होगा, नेगेटिव होगा तो ऐसा ही होगा, लेकिन नेगेटिव होने से एरो अंदर की तरफ जाएगा। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सिंपल कैलकुलेशन। डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डाले के नीचे जस्ट उसके समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एक आर्बिट्री ओरिजिन है, ये आपका आर्बिट्री ओरिजिन है। इस आर्बिट्री ओरिजिन पे अगर आप कोई एक पॉइंट चार्ज को रखते हो, मान लीजिए दैट पॉइंट चार्ज हैज मैग्नीट्यूड क्यू, तो ये आर्बिट्री ओरिजिन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये कोई आर्बिट्री ओरिजिन है और यहाँ पे हमने एक पॉइंट चार्ज रखा है उसका मैग्नीट्यूड क्यू है। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से अभी हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो रेडियली आउटवर्ड होगा। यहाँ पे अगर मैं कंसीडर करता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। आपको लगेगा मैं कुछ नया ड्रॉ करने वाला हूँ। नाउ सी वी आर कंसीडरिंग एन एरिया, मान लीजिए यहाँ पे अगर हम लोग एक एरिया को कंसीडर करते हैं, ये एक छोटा सा एरिया है, और मान लीजिए यहाँ पे अगर एक छोटा सा एरिया कंसीडर करते हैं तो ये एरिया है, तो ये दो एरियाज है। यहां से अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा तो वो कैसा जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। यहां से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा तो कैसे जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। यहां से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा तो वो कैसे जाएगा, बाहर की तरफ। मीन्स किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो किधर जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब हमारा जो सोर्स चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव है। आप
ऐसे कितना है फील्ड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? द आंसर इज इनफाइनाइट, यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट फील्ड लाइंस फ्रॉम दिस। हम इसको थोड़ा सुंदर बना रहे हैं। ये सारे एरोज क्या है, ये सारे एरोज रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है बाहर की तरफ जा रहा है। एट ईच एंड एवरी पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड आउटवर्ड, इसका मतलब आपका सोर्स चार्ज पॉजिटिव है। हर एक जगह पे अगर आप फील्ड लाइन देखेंगे तो आपका फील्ड लाइन किधर जा रहा है? बाहर की तरफ जा रहा है। नाउ यहाँ पे एक चीज आप देखिए, मीन्स ऐसा चीज, इसको विजुअलाइज कीजिए। इसको मैंने प्लेन में ड्रॉ किया है, आप उसको स्पेस में विजुअलाइज कीजिए। एक पॉइंट चार्ज है, फील्ड लाइन कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है। यहाँ पे छोटा सा एक एरिया है, वहां पे बड़ा सा एरिया है। क्यों है? यहाँ से मान लीजिए कितना फील्ड लाइन निकल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे 9 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पकड़ने के लिए छोटा सा एरिया की जरूरत है। उसी 9 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पकड़ने के लिए दूर जाने से क्या हो रहा है, बहुत बड़ा सा एक एरिया की जरूरत है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई एक छोटा सा एरिया कंसिडर करता हूँ, मान लीजिए ये एक छोटा सा मेरा एरिया है, ये मेरा छोटा सा एरिया है, इस रीजन को मैं नाम दे देता हूँ पी। उतना ही एरिया का अगर मैं यहाँ पे एक एरिया ड्रॉ करूंगा, उतना ही एरिया का सेम एरिया का, तो ये पी है ये क्यू है। मीन्स ये जो पी का एरिया है और क्यू का जो एरिया है ये दोनों सेम है। तो आपको यहाँ पे कुछ नोटिस करने को मिलेगा। क्या मिल रहा है कि ये पी और क्यू जो है, मान लीजिए मेरा पॉइंट चार्ज से पी तक का डिस्टेंस जो है वो आर वन है, और पॉइंट चार्ज से क्यू तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर टू है। मीन्स पॉइंट चार्ज से मान लीजिए यहाँ से लेके ये मेरा डिस्टेंस क्या है, आर वन है, और यहाँ से लेके क्यू तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर टू है। तो इसका मतलब आर वन जो मेरा डिस्टेंस है वो आर टू से क्या है, छोटा है। इसका मतलब R1 पे जो मेरा फील्ड होगा से वो E1 है, वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये जो एरिया है, इस एरिया और ये एरिया दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे कितना फील्ड लाइन गुजर रहा है इसके अंदर से, 1 2 3, इसके अंदर से कितना फील्ड लाइन गुजर रहा है, 3 फील्ड लाइन गुजर रहा है, और इसके अंदर से कितना फील्ड लाइन गुजर रहा है, 1 2, इसके अंदर से 2 ही फील्ड लाइन गुजर रहा है। तो इसका मतलब चार्ज के पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या है, इसका इंटेंसिटी ज्यादा है। चार्ज से दूर जाने से इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या है, कम है। तो इससे हम लोग एक चीज को कंक्लूड कर सकते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टू द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन्स। क्या लिखा मैंने, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट भी लिख सकते हैं, एट ए पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन्स। मीन्स किसी भी पॉइंट पे, तो यहाँ पे मेरा एक पॉइंट मान लीजिए पी है, दूसरा मेरा क्यू है, तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, वो किसके साथ प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। मींस अगर फील्ड लाइन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, अगर फील्ड लाइन कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कम होगा। तो यहाँ पे 3 फील्ड लाइन जा रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कम है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन। फील्ड लाइन का जो डेंसिटी है उसी से डिफाइन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। फील्ड लाइन ज्यादा होगा तो मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, फील्ड लाइन कम होगा तो मैग्नीट्यूड कम होगा। नाउ नियर द चार्ज फील्ड लाइन्स आर डेंसर, हेंस फील्ड इंटेंसिटी इज स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव। नियर द चार्ज फील्ड लाइन्स आर डेंसर, हेंस फील्ड इंटेंसिटी इज स्ट्रॉन्ग। चार्ज के पास आने से फील्ड लाइन्स डेंसर है। यहाँ पे देखिए जितना दूर जा रहे
जितना पास आ रहे हैं डेंसिटी बढ़ रहा है, इसका मतलब जितना डेंसिटी बढ़ेगा फील्ड लेंथ उतना पास आएगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लेंथ पास आएगा उतना फील्ड का इंटेंसिटी ज्यादा होगा। इसका ऑपोजिट बिल्कुल सेम है, अवे फ्रॉम द चार्ज फील्ड लाइन्स आर वीकर वीकर बोलने से भी चलेगा, या फिर स्पेस्ड अपार्ट भी बोल सकते हैं, स्पेस्ड अपार्ट एंड हेंस फील्ड इज वीक। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, नियर द चार्ज फील्ड लाइन्स आर डेंसर, चार्ज के पास आने से फील्ड लाइन्स का डेंसिटी ज्यादा है, मीन्स बहुत ज्यादा डेंस है, हेंस फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। अवे फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से दूर जाने से फील्ड लाइन्स आर स्पेस्ड अपार्ट, फील्ड लाइन जो है स्पेस्ड अपार्ट है, एंड हेंस फील्ड इज वीक, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज करेगा। पास आने से इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी इंक्रीज करेगा, दूर जाने से इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी डिक्रीज करेगा। नो डन। अभी हम एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बहुत आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अभी तक हम लोगों ने जाना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, इनका डिपेंडेंसीज कैसा है। नाउ वी विल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है, फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। तो मैंने क्या लिखा है, फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव चार्ज से शुरू करता है, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, मींस पॉजिटिव चार्ज से शुरू करता है एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज पे जाके क्या होता है, खत्म हो जाता है। For a single point charge, electric field lines may start or for a single point charge, electric field lines may start और एंड्स एट इंफिनिटी। इसका मतलब क्या है, फॉर अ सिंगल पॉइंट चार्ज, अगर हमारे पास कोई सिंगल पॉइंट चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, मे स्टार्ट एट इंफिनिटी और एंड्स एट इंफिनिटी, मींस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होगा तो इंफिनिटी पे खत्म होगा, मींस इट विल एंड एट इंफिनिटी, और अगर नेगेटिव पॉइंट चार्ज होगा तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम इंफिनिटी। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए इंफिनिटी पे जाकर खत्म होगा, नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए इंफिनिटी से शुरू होगा। दूसरा पॉइंट है, फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व्स, फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक इन ए चार्ज फ्री रीजन। फील्ड लाइन्स आर कंटिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक इन ए चार्ज फ्री रीजन, मीन्स अगर कोई रीजन है, कोई एक स्पेस है जहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, वहाँ पे जो फील्ड लाइन्स होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस कर्व्स होगा। तो आप यहाँ पे ऐसे कुछ सोच रहे होंगे, शायद ये पॉजिटिव है तो यहाँ से एरो ऐसे जाता है, पॉजिटिव कैसे होता है। हम लोगों ने यहाँ पे माना है कि यह पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, हमने यहाँ पे चार ही पॉइंट कंसिडर किया, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ से ऐसे जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली इनके बीच में कितना पॉइंट है, प्रैक्टिकली इनके बीच में
इनफाइनाइट पॉइंट्स है। नाउ मान लीजिए उन इनफाइनाइट पॉइंट्स में अगर मैं एरोज ड्रॉ करूंगा तो मुझे कितना एरोज मिलेगा? इनफाइनाइट एरोज मिलेगा। और उन इनफाइनाइट एरोज को अगर मैं ज्वाइन कर लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? सारे एरोज को अगर मैं ज्वाइन कर लाऊ तो कर लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? कंटिन्यूअस कर्व भी मिलेगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंटिन्यूअस कर्व्स होता है। क्यों होता है? क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स। सो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो हमें इनफाइनाइट एरोज मिलेगा, उनको ज्वाइन करने से हमें कंटिन्यूअस कर्व्स मिलेगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होता है? कंटिन्यूअस कर्व्स ही होता है। द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइन, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at that point. The tangent drawn at any point on the field line gives the direction of electric field at that point. इसका मतलब क्या है? मीन्स अगर हमारे पास कोई एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, कोई एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, ये तो हमारा बीच वाला है, इस पर अभी टेंजेंट ड्रॉ नहीं करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक कर्व है, यहाँ पे अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, उसका डायरेक्शन कैसे होगा? ये होगा टेंजेंट। तो जिस डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसी डायरेक्शन में क्या होगा? उसी डायरेक्शन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो मुझे कैसे मिलेगा टेंजेंट? इस तरह मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे मिलेगा? ऐसे। इस पॉइंट में कैसे मिलेगा? ऐसे। वैसे अगर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो मुझे कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कर्व में किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने से हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिलता है। ये मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो आपको क्या मिलेगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा। यहाँ पे ड्रॉ करने से आपको कैसे मिलेगा? ये मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। यहाँ पे ड्रॉ करने से आपको कैसे मिलेगा? ये मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो आपको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा उस पॉइंट पे। क्लियर है? तो हमने कितना प्रॉपर्टी पढ़ा है? तीन, एक दो तीन चार मान लीजिए। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, ये आप लोगों ने क्लास 10 में भी पढ़ा है। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? बिकॉज बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज नॉट पॉसिबल। Because at the point of intersection there will be two direction of electric field and hence two electric field intensity which is not possible. दो electric field line कभी भी एक दूसरे को intersect नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? अगर intersect करेगा, जहाँ पे intersect करेगा वहाँ पे आपको electric field का दो direction मिलेगा। अगर electric field का दो direction मिलेगा इसका मतलब आपको electric field का, electric field intensity का दो magnitude भी मिलेगा, electric field intensity का दो magnitude भी मिलेगा और ये possible नहीं है। मान लीजिए आपके पास कोई एक पॉइंट चार्ज है, या पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है या नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना डायरेक्शन मिलता है?
एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन मिलता है और एक पॉइंट पे एक ही मैग्नीट्यूड मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना मिलेगा? ओनली वन। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक फील्ड लाइन और यहाँ पे एक फील्ड लाइन, ये मेरा पहला फील्ड लाइन है, ये मेरा दूसरा फील्ड लाइन है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है? यहाँ पे। अगर इंटरसेक्ट यहाँ पे करता है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डायरेक्शन मिलेगा और इस फील्ड लाइन की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक डायरेक्शन मिलेगा। ये एक ही वेक्टर है। इस पॉइंट पे इस कार के लिए एक डायरेक्शन है और इस पॉइंट पे ये सेकंड कार के लिए और एक डायरेक्शन है। तो एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डायरेक्शन ये है और दूसरा डायरेक्शन ये है। एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको दो डायरेक्शन कभी नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? टू डायरेक्शन। टू डायरेक्शन इसका मतलब क्या है? टू मैग्नीट्यूड्स और दो डायरेक्शन और दो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कभी भी पॉसिबल नहीं है एक पॉइंट पे। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप्स। तो आपको पता होगा व्हाट इज क्लोज लूप। इस मान लीजिए यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, यहाँ से कोई इंसान ऐसे जाता है टू पे गया और फिर क्या किया, टू से फिर वन पे आया। इसका मतलब कोई एक पॉइंट है ऐसे, तो ये जो दिख रहा है टू पे गया फिर वन पे आया, ये मेरा पॉइंट वन था, ये मेरा पॉइंट टू है। वन से टू पे गया, टू से फिर घूम के आया, मीन्स देयर इज सम डिस्टेंस ट्रेवल। यहाँ पे क्या हो रहा है? कुछ डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है फिर घूम के अपनी जगह पे आ रहा है। तो जिस पॉइंट से गया उसी पॉइंट पे अगर घूम के आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस चीज को हम लोग बोलते हैं क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए क्लोज लूप कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आपने कहीं देखा है कि घूम के उसी जगह पे आता है। मान लीजिए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, कहाँ से शुरू होता है? पॉइंट चार्ज से जाता है कहाँ पे? इन्फिनिटी पे खत्म होता है। पॉइंट चार्ज से शुरू होता है, इन्फिनिटी पे खत्म होता है। नेगेटिव पॉइंट चार्ज तो क्या होता है? इन्फिनिटी से शुरू होता है, कहाँ पे खत्म होता है? इन्फिनिटी से शुरू होता है, खत्म कहाँ पे होता है? चार्ज पे। अगर आप पॉजिटिव चार्ज के लिए ड्रॉ किए हो, ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होता है, नेगेटिव चार्ज पे खत्म, यहाँ से शुरू यहाँ पे खत्म, यहाँ से शुरू यहाँ पे खत्म, तो क्लोज लूप कभी नहीं बनेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा एक जगह से शुरू होता है और खत्म हो जाता है किसी एक जगह पे जाके। वो कभी भी घूम के जिस पॉइंट से शुरू होता है उस पॉइंट पे फिर घूम के कभी नहीं आता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर फॉर्म एनी क्लोज लूप। व्हाई? बिकॉज दे स्टार्ट्स एट अ पॉइंट एंड दे नेवर रिटर्न टू दैट पॉइंट, दे नेवर रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजिशन। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नेवर रिट्रेस देयर पाथ्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो अपना पाथ को कभी रिट्रेस नहीं कर सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी अपना पाथ को रिट्रेस नहीं कर सकता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी क्लोज लूप नहीं बनाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था। नेक्स्ट क्लास हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल में फिर मिलेंगे। मैंने आपको कुछ इस क्लास में टिप्स दिया है, कुछ बोला भी है, तो फॉलो करना। थैंक यू, बाय बाय।